हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दुखलाम से चले जाएंगे, वापस आएंगे, जाएंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चाइना द्वारा ये बात पर समझौता किया गया था कि दोनों ही देश धीरे धीरे LAC के दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, 2 से 3 महीने निकल जाने के बाद भी चाइना की तरफ से अभी तक LAC की दूसरी तरफ पूरे तरीके से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। और दोस्तों, चाइना की तरफ से किए जा रहे डिसएंगेजमेंट से भारतीय आर्मी पूरे तरीके से सेटिस्फाई भी नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पिछले साल भारत और चाइना के बीच हुए विवाद के बाद इस साल फरवरी में दोनों ही देशों ने यह तय किया था कि वह धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पूर्वी लद्दाख में बनी हुई है, जब दोनों सेनाएं आज भी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। और उसी बिंदु को लेकर भारत और चाइना आज भी बात कर रहे हैं कि किस एरियाज में किस तरीके से दोनों ही देशों द्वारा डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। दोस्तों, इस प्रक्रिया पर पाकिस्तान की भी निगाहें गड़ी हुई है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबरें आज की तारीख में हेडलाइन बन गई है कि भारत किस तरीके से चाइना को कंटेन कर रहा है। उनका यह भी मानना है कि भारत को इतनी हिम्मत अमेरिका की तरफ से मिल रही है, यहाँ तक कि रशिया भी बैकडोर से भारत का साथ दे रहा है। इसका सबूत है यह वीडियो। आर्म्ड नहीं है कि चाइना की सोच क्या है, कि चाइना की एग्जैक्टली मतलब दुखलाम से चले जाएंगे, वापस आएंगे, जाएंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। मतलब चाइना ने देखिए ना, अपने मध्य मुकाबल का जहन तो पड़ा होना चाहिए ना। तो इंडिया के पास वो क्लैरिटी नहीं है कि चाइना किस तरह से उनको इंगेज करेगा। मतलब यहां पर पूरा इंगेज हो जाएंगे तो फिर क्वाड में क्या करेंगे, क्या करेंगे? और अमेरिकन किस तरह से हेल्प करेंगे, इसराइल किस तरह से हेल्प करेगा मौजूदा सूरत। तो वो क्या एक करेगा भी ये नहीं, ये नहीं करने तो है, लेकिन ये इंडिया का भी एक इम्तिहान है। देखिए ना, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उनकी डिप्लोमेसी कैसे वो आगे लेके चलते हैं, वो अपने किस तरह से वो मामलात को तय करते हैं। जब अमेरिका कह रहा है कि डाल जाए ना, मतलब आपके कंपेटिटर हैं, वो उनके साथ कंपीट करना है, आपने लड़ना नहीं है, इंगेज रखना है उनको, तो इंगेज कैसे करेंगे? वो इंगेज तो जो हुआ तो हम सारी दुनिया ने देख लिया कि वो LAC पे, तो उसकी वजह से अब एक बड़ा क्राइसिस इस खत्ते में खड़ा हो चुका है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे अकाबरीन को अंदाजा नहीं है, या अंदाजा है या अंदाजा नहीं है। लेकिन ये कि ये कितनी बड़ी बात है कि विड्रॉल एक महीने में शायद मुकम्मल हो जाए, वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये कोई, लेकिन यहां पर वो एक होता है ना कि आप मतलब क्या हो रहा है, तो जी वो बस वो इसको गालियां, उसको गालियां, उसको गालियां, उसको इस तरह ये रियासत जो है वो गलत, अकाबरीन गलत फैसला कर रहे हैं। कहने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत कामों में उलझे हुए, ये काम इस वक्त करने के नहीं है। इस वक्त खित्ते के अंदर फॉरेन पॉलिसी, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, मईशत, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, अमन, सिक्योरिटी। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी खबर भारतीय नेवी को लेकर है। भारतीय नेवी की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा को अभी हाल ही में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट मलाका स्ट्रेट में स्पॉटेड किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने रशिया से 2012 में 10 साल के लिए 12,000 टन क्षमता वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS चक्रा को लीज पर लिया था, जिसकी अवधि 2022 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, खबरें निकल कर आई है कि भारतीय नेवी की INS चक्रा रशिया के सबसे पूर्वी शहर और नेवी शिपयार्ड व्लादिवोस्तक के लिए 27 मई के दिन विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी। और दोस्तों, इसको व्लादिवोस्तक तक पहुंचने में तकरीबन 5 सप्ताह का समय लगेगा। भारतीय नेवी की ये सबमरीन वहाँ पर कुछ जरूरी टेस्ट और कुछ टेक्निकल सपोर्ट के लिए जा रही है। वहाँ पर इसकी सारी जाँच पूरी होने के बाद इसे फिर भारत भेज दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सबमरीन में तकरीबन 100 की संख्या में भारतीय नेवी के अधिकारी और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। दोस्तों, हमारी अगली खबर भी भारतीय नेवी को लेकर ही है। खबर निकल कर आ रही है कि शुक्रवार के दिन भारत के रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी और भारत सरकार प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाली नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। अगर दोस्तों ये बैठक सक्सेसफुल होती है तो उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, जल्द ही भारतीय नेवी को कलवरी क्लास की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन के लिए ज़्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय नेवी को इस साल के अंत तक
सभी कलवरी क्लास की 6 सबमरीन सौंप दी जाएगी। और दोस्तों इसके बाद मंझगांव डॉकयार्ड पर जो फैसिलिटी सबमरीन बिल्डिंग के लिए बनाई गई है वह फ्री हो जाएगी। इसी के चलते इस काम में काफ़ी तेज़ी दिखाई जा रही है, क्योंकि जो सबमरीन बिल्डिंग के लिए मंझगांव डॉकयार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसका आने वाले समय में भी पूरी तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो दोस्तों हो सकता है कि जल्द ही मंझगांव डॉकयार्ड को फ्रांस के साथ मोर एडवांस सबमरीन बिल्डिंग के लिए टेंडर मिल ही जाए, जो कि भारतीय नेवी की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।